को राजधानी से सटे हुए राज्य हरियाणा में, जहां पर बगावती सुर के बीच आज बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, जिसके साथ ही हरियाणा की 90 सीट पर 87 उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। वैसे तो 3 सीटों पर ऐलान बाकी है, लेकिन माना जा रहा है 1 सीट गोपाल कांडा के लिए छोड़ी हुई है। बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट में 2 मंत्रियों के टिकट काटे। बड़खल से शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा की जगह धनेश अदलखा को टिकट दिया गया। बावल से जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की जगह डॉक्टर कृष्ण कुमार को टिकट मिला है। बीजेपी की लिस्ट में 2 मुस्लिम प्रत्याशियों का नाम भी शामिल है। फिरोजपुर झिरका सीट से नसीम अहमद और पुनहाना सीट से एजाज खान को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। जुलाना सीट पर कैप्टन योगेश बैरागी को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है, जो कांग्रेस प्रत्याशी पहलवान विनेश फोगाट के खिलाफ दम भरेंगे। आपको बता दें, बैरागी एक प्रमुख एयरलाइंस में सीनियर पायलट रह चुके हैं। बैरागी ने चेन्नई बाढ़ आपदा के दौरान रिलीफ और रेस्क्यू उड़ाने भरी थी, तब उन्हें काफी ज्यादा सुर्खियां मिली थी। बीजेपी ने पिहोवा सीट पर उम्मीदवार बदल दिया। यहां पहले बीजेपी ने कंवलजीत सिंह अजराना को टिकट दिया था, लेकिन विरोध के चलते उन्होंने टिकट वापस कर दिया। अब सीट पर बीजेपी ने जय भगवान शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। उधर आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नामांकन किया और एक बार फिर से हरियाणा में बीजेपी सरकार बनाने का दम भरा। हरियाणा की डबल इंजन की सरकार, ये 8 अक्टूबर के बाद बहुत बड़े मार्जिन के साथ तीसरी बार बन रही है। ये तय हरियाणा के लोगों ने कर दिया है। 14 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमें आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। उनके नेतृत्व में हरियाणा और फले फूले, ऐसा आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मिलेगा और हम भव्य स्वागत उनका यहाँ पर करेंगे।